नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आपको हम फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर के दो रिवॉल्वर दिखाएंगे, एक थोड़ा मॉडिफाई है और एक अनमॉडिफाइड है। यह है दोस्तों मॉडिफाइड निशंक फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर में बना हुआ 6 शॉट रिवॉल्वर। और इसके साथ जो दूसरा रिवॉल्वर आप देख रहे हैं वो फैक्ट्री कंडीशन में है। अब पहले इसका वज़न देख लेते हैं, ये लगभग 1.25 किलो है। अब इस मॉडिफाइड रिवॉल्वर का वज़न देखते हैं, ये उससे लगभग 20 ग्राम कम है। यह है दोस्तों निशंक MK1 जो कि फैक्ट्री कंडीशन में है। और ये भी निशंक MK1 जो कि थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। ये रिवॉल्वर इस प्रकार के केस में आते हैं, इनके साथ कोई बॉक्स नहीं रहता है, ना ही इसके साथ कोई यूजर मैनुअल रहता है, ना सर्टिफिकेट। तो ये है वो दो निशंक रिवॉल्वर फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर के बने हुए। इसमें हल्की सी मॉडिफिकेशन है, सिर्फ ये हैंड ग्रिप जो है इसकी, ये मॉडिफाई है, ये अनमॉडिफाइड है। इसमें ये फैक्ट्री कंडीशन में है, यहाँ ये IOF लिखा है और ये इसका जो फैक्ट्री कंडीशन में इसकी हैंड ग्रिप आई है, वुडन है ये। और ये मॉडिफिकेशन के बाद ये बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग है, इसमें बहुत ही बढ़िया पेंट किया गया, पॉलिश किया गया है। इसमें लोगो और लगाया गया है, कोई IOF का लोगो नहीं है। और यहाँ हम देख सकते हैं निशंक 32 बोर MK1 2023 मॉडल, और ये भी निशंक MK1 ये 2021 मॉडल है। ये पूरी वेबले की कॉपी है। ये जैसे ये है हमारे पास वेबले का, जो इंडियन मेड वेबले है वो रिवॉल्वर। इसमें सिर्फ ये बैरल चेंज है यहाँ से, बाकी पूरा सिस्टम इसको खोलने का, सेफ्टी सब लगभग सेम है। तो जो IOF के रिवॉल्वर हैं ये इस टाइप के केस में आ रहे हैं, अब इसके साथ डब्बा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। धन्यवाद।